इंडिया को सपोर्ट कर। चला गया मेरा नहीं गया। सभी को वेलकम बैक टू द व्लॉग। आए हाय हाय हाय, क्या भाई क्या चिलकती हुई धूप आ रही है चेहरे पे। कितने दिनों बाद ऐसी धूप देखने को मिली। अब कितने दिनों नहीं, कितने महीनों बाद ऐसी धूप देखने को मिली है। बीच बीच में धूप आती है इस तरह की और फिर उसके बाद चली जाती, बारिश वारिश होनी चालू जाती है। और भाई किसी पहले के आदमी ने, बड़े बुजुर्ग ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नेचुरल थिंग्स आर द बेस्ट। अब धूप, पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल रादर देन मेडिसिन या फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसलिए भाई अपने धूप, यहाँ पे धूप ऐसे भी कम पड़ती है और लोग जब भी धूप आती है तो विटामिन डी की, यहाँ पे विटामिन डी की ऐसे अक्सर लोग ना गोलियाँ ही खाते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे लोग विटामिन डी की गोलियाँ खाते हैं। पर जब धूप पड़ती है तो प्रॉपर यहाँ पे लोग धूप लेते हैं ताकि उनके शरीर में विटामिन डी कमी ना हो। और मैं भी भाई इसी तरह, तुम भी सोच रहे हो ना बैग वैग लेकर रोज कहाँ निकल जाता है। भाई मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर, मतलब जहाँ पे सामान वामान अपना मिलता है, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है और सामान लेने हैं क्योंकि भाई यहाँ पे तो पैदल ही चलना पड़ता है। और यहाँ पे मैं कल अपने स्टेप्स देख रहा था कि मैं पिछले एक हफ्ते के अंदर कितने स्टेप्स चला हूँ। भाई रोज़ के पता है मेरे कितने स्टेप हो जाते हैं, रोज़ के मेरे अप्रॉक्सीमेट क्या बोलते हैं उसको, अप्रॉक्सीमेटली मेरे रोज़ के 12,000 से 13,000 स्टेप रोज़ के। मैंने इंडिया में कभी नहीं, इंडिया में तो गांड के नीचे गाड़ी रहती थी ना कि कहीं पे भी जाना है अगल बगल में तुरंत गाड़ी उठाओ चल दो। तो भाई यहाँ पे अपने पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, यहाँ पे कोई भी सामान लेने जाना होता है तो इतना ही 10-10, 15-15, 20-20 मिनट पहले पैदल चलो। मतलब यहाँ पे तो माइल के हिसाब से होता है ना, मैं कितना बताऊँ आपको, 1.5-2 किलोमीटर पहले पैदल चलो फिर उसके बाद सामान लो फिर उसके बाद वापस आओ। तो भाई अभी अपने हाथ में एप्पल है और ऊपर सूरज की रोशनी है, ऊपर से विटामिन डी मिल रही है, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल होते होंगे वो बोलते हैं ना, एप्पल अ डे कीप्स एन डॉक्टर अवे। भाई सही टाइम पे खाया वो हो तो ये नहीं कि दिन भर उसको लेके चढ़ते रहो। ठीक है भाई, तो अभी अपना काम हम करते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग, जूते वूते जो भी देखने हैं मेरे को, एक दो कपड़े देखने वो देखते हैं, फिर आप लोग से मिलता हूँ। ओके जी, सिटी सेंटर से रूम में अपने वापस आ रहे हो। तुम लोग को यहाँ का एक सीन बताऊँ कि यहाँ पे इतनी बुरी हालत है भाई, मतलब सैटरडे संडे अगर तुम उम्मीद करो कि 4-5 बजे कोई सामान आपको दुकानें खुली मिल जाए, तो भाई मुझे ये उम्मीद थी कि दुकानें खुली मिलेगी, लोग थे इसलिए मुझे ऐसी उम्मीद लग रही थी, पर भाई सारी की सारी दुकानें बंद है, खाली खुला था तो सब्वे, KFC और एक पॉपाइज वगैरह करके और एक दो शॉप थी वो खुली थी, जहाँ पे कुछ नहीं मिलते। मैं जूते कपड़े लेने थे, मैंने कुछ नहीं लिया, उसके बाद मैं रूम पे आया, अपना नहाया धोया। और जैसे कि आपको पता है भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कल देख रहे हो ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच बीत चुका होगा, तो अभी मैं नहा दो क्या उससे टू देखो मेरा भाई आउटफिट। तो अपने इंडियन सोसाइटी वाले ने एक डगआउट नाम की यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का, रेस्टोरेंट बार जो भी कह लो, वहाँ पे अपने इंडिया पाकिस्तान के मैच की स्क्रीनिंग हो रही है लाइव। तो अभी अपने दो तीन दोस्त हैं, बाकी इंडियन वहाँ पे पहुँचे, बाकी दोस्त पहुँचे हुए, दो तीन दोस्त साथ में जा रहे हैं, तो अभी उनके साथ चल रहे हैं भाई वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, फुल एंजॉय करने और इंडिया को सपोर्ट करने और जिताने के लिए। ओके जी, ओके सारे, कैसा लग रहा है भाई? गो इंडिया, गो ब्लू। हाँ, गो ब्लू भाई, गो ब्लू भाई। तो पाकिस्तान को हराने के लिए आया हो तुम यहाँ पे? नहीं भाई, मैं तो एकदम हराने आया हूँ। किसको, इंडिया को, पाकिस्तान को? मैंने कुछ खाना वाना उठाया, भाई ने कोल्ड ड्रिंक ले रखी है और कह रहा था कि माहौल सा नहीं बन रहा है मैच देखने का, तो मैं कहा कि यार चलो पेप्सी दे के दारू वारू लेके बैठते हैं। भाई तो दारू नो ना, no smoking. भाई मेरी कहाँ जान में, तो छोटा आदमी यार। अच्छा पाकिस्तान वालों ने कैश कैसे ड्रॉप किया था? जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी ड्रॉप कर दी थी। नहीं यार, मैं तो छोटा मोटा आदमी, भाई मैं छोटा आदमी भी क्या ही हूँ, मैं छोटा मोटा बच्चा हूँ अभी। तो भाई कह रहा था कि मन वन नहीं लग रहा है ऐसे, मतलब बिल्कुल मौज सी नहीं आ रही मैच देखने में, कुछ खा पी के पेप्सी लेके बैठते। मैं कहा चलो ये भी शौक पूरा करा देता हूँ आपका। तो अभी एक बार वाप गया था, वापस आया खाना पीने के लिए, वापस जा रहा हूँ भाई। और पूरा माहौल, पूरा इंडिया का, उसे क्या बोलते हैं
एकदम माहौल सा बना के बैठेंगे इंडिया को जिताने के लिए। उसके बाद आप अंदर का जाके नीचे का आप लोगों को माहौल दिखा दो, क्या सही सीन चल रहा है वहाँ पे, कितने बंदे बंदे तो खैर ज्यादा है नहीं, कितने कम है बंदे भाई, हैं 20-25 बंदे होंगे, पर भाई अंदर का माहौल दिखा दो, अंदर क्या सीन चल रहा है वहाँ का। ओके भाई क्या चल रहा है भाई, इधर सारे इंडियन बैठे हैं, कितना लग रहा भाई कृणाल भाई, कृणाल भाई कितना लग रहा है आपको स्कोर? इंडिया की बैटिंग के बाद मैंने 100-100 रुपए सबसे इकट्ठे किए, 100-100 रुपए का नोट चुप रहो, 100-100 रुपए लिए भाई मैंने सब लोगों से और 11 प्लेयर खरीद लिए भाई पाकिस्तान के, 1100 रुपए मतलब। आप क्या कहना चाहते हो यार? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो बहुत सिंपल है, तुम लोग खेलो पूरे 120 बॉल एंड में इंडिया ही जीतेगी। वैसे ये कुछ भी कर लिया एंड में तो मोदी जीत जाता है। यार देखो भाई मैं जिताया मैंने क्योंकि बंगाली असली जादू करते हैं, बट मैंने आवाज मेरी आवाज से भाई मेरे 1100 रुपए ने जिताया, कैसी बात कर रहे हैं भाई, सब माता रानी की कृपा है, सब कुछ भाई, और माता रानी के साथ साथ भाई मैंने उनकी पूजा करी अर्चना करी इसलिए हुआ है सब कुछ भाई, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और जब विधायकी के लिए खड़ा होगा तो ठीक है भाई। तुम तो पाकिस्तान से क्या कहना चाहते हो, थोड़ा सा फंड दे भाई, मैं ये कह रहा हूं लोगों को खेलना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा खेलने में, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा फंड पास कर तू सपोर्ट करने के लिए कंट्री को। ओ भाई ये भी रो रही है भाई, ओ भाई अंदर वाली रो रही थी भाई। वापस आने अपने अकोमोडेशन पे मैच देख के, और जो बंदे साथ में थे वो भी अपने अकोमोडेशन पे चले गए, आ गया था कपड़े अपने चेंज किए मैंने, फिर थोड़ा गर्म पानी से गरारे वगैरह किया, गर्म पानी पिया, और भाई आज का जो मैच था वो अच्छा भी था और ख़राब भी था। अच्छा इसलिए था कि इंडिया जीती पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडिया ने इतने कम रन बना के भी पाकिस्तानियों को रन नहीं बनाने दिए, और अच्छा ओवर हैंड मतलब बॉलर्स ने अच्छा प्रेशर क्रिएट किया। और ख़राब इसलिए था कि इंडिया जैसी टीम इतनी बड़ी टीम हो गए,
इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हो के उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी नहीं थी, तो बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी, इसलिए बॉलर्स ने प्रेशर बना के फील्डिंग वगैरह करके लोगों ने हैंडल कर ली चीजें। पर बैटिंग लाइनअप अच्छी नहीं थी, बैटिंग लाइनअप अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि बैट्समैन चल नहीं पाए, बैट्समैन नहीं खराब है क्योंकि वर्ल्ड टॉप क्लास के बैट्समैन है भाई। पर इतना कम रन, 120 रन का टारगेट इंडिया से एक्सपेक्टेड नहीं था, जबकि 95 पे 7 विकेट गिर रखे थे, उसके बाद भी किस तरह घसीट पसीट के रन बनाए। एनीवेज इट्स जस्ट अ गेम एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर तो खैर क्या ही भाई, अपने साथ में पाकिस्तानी बंदे भी बैठ के मैच देख रहे थे, इंडियन भी देख रहे थे, और वो जो रोमांच का माहौल होता है ना वो अपने को इंडिया में नहीं मिल सकते, क्योंकि इंडिया में खाली इंडियन होकर पाकिस्तानी आ नहीं सकते, ना इंडियन वहाँ जा सकते हैं, तो माहौल क्रिएट नहीं सकता वहाँ पे, खाली इंडिया को सपोर्ट कर। यहाँ पे बंदे पाकिस्तान को भी सपोर्ट करने वाले बैठे थे, इंडिया को सपोर्ट करने वाले बैठे थे, और एक रोमांच सा माहौल बन रखा था हर एक बॉल पे, यार ये कौन जीतेगा, वो कौन जीतेगा, इस पे क्या होगा, विकेट गिनना चाहिए। लास्ट ओवर में तो सबके ऐसे फटसी रखी थी, इंडिया को भी पता 16 रन चाहिए पाकिस्तान को भी, तो अगर नहीं मार पाएंगे तो क्या होगा। खैर मार तो नहीं पाए क्योंकि सैल्यूट टू आवर बॉलर्स टू देयर हार्डवर्क जो उन्होंने आज किया जितवाने के लिए, जसप्रीत बुमराह, सिराज, अक्षर पटेल और जितने भी बॉलर थे भाई सभी को माई कंट्री माई प्राइड, माई कंट्री माई प्राइड। तो भाई उन्होंने जिस हिसाब से किया तो उसमें है ना धक धक उठी रहती है, लड़ाई वड़ाइयाँ हो जाती है, पर यहाँ पे जिस हिसाब से सोसाइटी ऑर्गेनाइज कराती है इस पर लड़ाइयाँ नहीं होती है, मैक्सिमम तौर पर लड़ाइयाँ नहीं होती क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो इट्स जस्ट अ गेम, और भाई बंदे में ऐसा था भी, और बंदे तो भाई रोने भी लगे थे। एनीवेज मैं ज़्यादा बोल सकता, मेरा गला ख़राब है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू जो जो जिन्होंने सपोर्ट किया भाई, तुम्हें जो जो सपोर्ट की जो मैसे तुमने तो मजा आ गई होगी भाई, क्या ही खेला यार। खैर प्रेशर प्रूशर बनाते रहे हैं, खेल कुल खेलते रहे हैं। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, होप करता हूँ कि मैच सबको पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नए ब्लॉग में, जय श्री राम भाई सभी।